Hey guys, welcome to an academy and welcome to this YT live on a very special session with Priyanshu Jain, who is also an educator at an academy. आप में से कई लोग हमेशा ये wonder करते हो कि क्लैट हो गई, शायद रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, तो क्या ड्रॉप लेना एक सही डिसीजन होगा? कई लोगों का मन होगा ड्रॉप लेने का, बट पेरेंट्स में नॉट एग्री। कई लोगों के पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जहाँ पे ड्रॉप तो ले लिया था लेकिन अगले साल शायद उससे भी बुरा कॉलेज मिला। तो इन सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग अ रियल स्टोरी टू यू, अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु नॉट ओनली टुक अ ड्रॉप बट मैनेज टू गेट अ सीट इन द मोस्ट प्रेस्टीजियस एनएलयू ऑफ द कंट्री। यस, एंड वी हैव विद अस टुडे प्रियांशु जैन, ही विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली, हु विल टेल अस द स्टोरी ऑफ कन्वर्टिंग अ अबाउट 2000 रैंक टू अ डबल डिजिट रैंक ऑफ AIR 35, जिससे उनको NLSIU मिला। तो इस सेशन में हम उनसे थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे, जानेंगे what was in his mind when he was making that decision, और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमको कंसिडरेशन में लेने चाहिए when we are planning to take a draw. So let us just ask Priyanshu to join and then we'll begin this session. Hi Divya, thank you so much for having me. Hi Priyanshu, how are you doing? I'm great, how are you? I'm good too. चलो यार प्रियांशु, तो अन अकेडमी पे एज यू नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप, इवन आर ड्रॉपर्स बैच इज कमिंग लाइव फ्रॉम द 11th ऑफ अगस्त। तो एक चीज हर इंसान के मन में होता है कि ड्रॉप लेने के बाद इज इट पक्का कि मतलब बढ़िया NLS मिल जाएगा, जैसे तुमको NLS मिला, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? ये हर बार बच्चे पूछते हैं क्योंकि ड्रॉप ले ले हो जाएगा। मुझे ये तो नहीं लगता कि लाइक यू नो जस्ट बिकॉज आपने ड्रॉप ले लिया उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाएगी। काफी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि आप मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एक साल तक आप उसको उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख पा रहे हो या नहीं, राइट? बिकॉज एक साल बहुत लंबा टाइम होता है, काफी सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर मेरे पास पूरा एक साल है तो मैं सिर्फ इसको क्यों दूं, वो साथ में कुछ ना कुछ और कर रहे होंगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज में। तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने ड्रॉप ले लिया तो आपको मिल ही जाएगा। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब कम प्रिपरेशन में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो मतलब जहां मैं बोलता हूँ कि हाँ ड्रॉप इज अ वेरी गुड डिसीजन, वहीं आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि नहीं, मुझे एक बार ड्रॉप लेने के बाद वो कंसिस्टेंसी, वो प्रिपरेशन, वो एफर्ट मेंटेन करके रखना है। यस गाइस, सो दिस वाज, यू मस्ट वंडर कि ये कैसे क्वेश्चन के साथ ये इंटरव्यू की शुरुआत करिए, बट एट एन एकेडमी वी वांटेड टू बस्ट दिस वेरी मिथ एट द वेरी स्टार्ट कि ड्रॉप इज नॉट अ पेनेशिया जस्ट बिकॉज आपने ड्रॉप लिया है। और कई सारी जगह पे आपको ये भी बोला जाएगा कि ड्रॉप ले लो पक्का हो जाएगा, ड्रॉप ले लो पक्का हो जाएगा। तो यस, देर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ड्रॉप लिया है, जैसे प्रियांशु है यहाँ पे जो NLS में गए हैं, है ना? और इफ यू विल गो टू एनी NLU यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल और परहैप्स हाफ ऑफ द पीपल आर द पीपल हु हैव टेकन क्लैट अगेन, है ना? रीटेकर्स की पॉपुलेशन होती है आधी NLUs में। तो लेकिन एक और ये भी बात है कि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं और उनका क्लैट नहीं होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वी विल अभी आस्क प्रियांशु अबाउट एवरीथिंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड इंश्योर ड्यूरिंग द ड्रॉप, ड्रॉप किस फैक्टर्स के हिसाब से लिया जाए, ड्रॉप्स के साथ क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन एक चीज जो हमको आउटसेट पे क्लैरिफाई करनी थी आपको, वो ये है कि ड्रॉप ले लिया तो पक्का नहीं है, है ना? पढ़ाई फिर भी करनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज आपने एक साल पहले कुछ पढ़ा था क्लैट का, वो याद रह जाएगा सारा, तो अब तो मार्क्स इंप्रूव होने ही है ना? और फिर ऐसा सोचो कि यार 15 मार्क्स इंप्रूव हो जाते, 20 मार्क्स इंप्रूव हो जाते तो पक्का हमारा NLU मिल जाता, और 3 महीने तैयारी करी थी तो हमारे 70 आ गए, तो अब 1 साल तैयारी करेंगे तो 20 मार्क्स तो इंप्रूव हो ही जाएंगे। ये सारी चीजें बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी लुकिंग फॉर। सो प्रियांशु, टेल मी अ बिट अबाउट योरसेल्फ, यू टुक क्लैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016, आई एम गेसिंग, व्हाट वाज योर रैंक इन 2016? So my rank was 2269, and I'm sure were you getting any NLU at that rank? You must have been invited to the counseling. So हाँ, मतलब first list में मेरा नाम नहीं आया था, but वो होता ही है कि lower NLUs में normally third list तक आते नाम आता है, उसके लिए आपको वो counseling fees pay करनी पड़ती है। At the outset मैंने ये decide कर लिया था कि जहाँ मेरी ये rank आई कि नहीं, I am going to give another attempt, तो मैंने वो कभी फीस पे ही नहीं की।
ओके सो यू आर वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग की ड्रॉप तो लेना ही है. एंड वाज इट अ डिसीजन दैट यू मेड, वाज इट अ डिसीजन दैट वाज इन योर माइंड बिफोर यू अपीयर्ड फॉर क्लैट, या क्लैट का रिजल्ट आने के बाद यू डिसाइडेड दिस? सो होता ही ये है ना कि जब इंसान 1 महीने या 2 महीने के प्रिपरेशन में क्लैट देता है, उसके ऊपर काफी सारा प्रेशर होता है. स्पेशली जब आप उन लोगों को देखते हो जो 1 साल से या कभी कभी 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको देख के आपके मन में डर लगता है, जो कि मेरे मन में भी आया था कि यार मैं इनसे कम्पीट कैसे करूंगा. सो देर वॉज दिस क्वेश्चन एट माई प्लेस कि मेरे घर वालों ने बोल दिया था कि ठीक है, अगर नहीं हो फिर भी यू कैन टेक अ ड्रॉप, यू विल हैव अनदर अटेम्प्ट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. So that was the mindset with which I was giving. But मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं, अगर मैं इस attempt में निकाल सकता हूँ तो मैं क्यों अपना 1 साल बर्बाद करूँ. But at the same time I was like कि हाँ, this is my threshold, इससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा. Because अगर मैं 1-2 महीने के preparation में अगर मैं यहाँ तक खींच सकता हूँ, तो why not give it another shot and maybe like you know shoot for something better. So I'm guessing 2016 was the year that you appeared for the CLAT in the CLAT for the first time. You were also in your 12th, so how did it work out? Were you preparing for CLAT right during your 12th or 12th ki boards ke baad taiyari kari ya boards ke saath kabhi taiyari kari? What was your story? How did you begin? So, I mean, a bit out of the topic, but mera man to kafi pehle se tha, even 11th se, but sabne bola ki nahi, just focus on 12th for now because I had PCM. So, meri preparation start hui 12th, I mean, बोर्ड के आखिरी एग्जाम के जस्ट बाद. सो वो 1 महीने मैंने प्रिपरेशन किया, 1 महीने 1.5 महीने जो भी उतना टाइम मिलता है बिटवीन. सो 13th ऑफ मे को हमारा एग्जाम था, और उसके पहले लाइक बोर्ड्स के बाद जितना भी आपको 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है उसमें आपने जो प्रिपरेशन कर दिया. ओके, आई थिंक 2016 क्लैट वॉज वेरी इजी टू, तो इट मस्ट हैव बीन, मतलब जितना हमने 2015 के हिसाब से 2016 के बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो आई रिमेम्बर मैंने भी 2016 में दिया था, तो बहुत इजी पेपर आ गया था. तो कई बार ये भी हुआ होगा कि यार पेपर तो अच्छा गया, व्हाट वर योर फीलिंग्स आफ्टर 2016? लग रहा था कि वो थ्रेशोल्ड जो था आपका वो क्रॉस हो जाएगा, व्हाट वर योर थॉट्स? सो मार्क्स तो डेफिनेटली अच्छे थे. आई मीन लाइक एज अ कंपेरिजन, 129 मार्क्स में मेरी 2200 रैंक थी एंड 139.75 मार्क्स में मेरी 35 रैंक थी बिटवीन क्लास 16 एंड 17. तो एग्जाम काफ़ी ईजी था, बट एट द सेम टाइम मुझे पता था कि सबका अच्छा गया एंड सबके अच्छे मार्क्स हैं. सो आई न्यू कि लाइक काफ़ी अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा, बट स्टिल आई वॉज होपिंग कि ठीक है, ये JNLU के आसपास शायद मेरा लक काम कर जाए, बट इट डिडंट हैपन. तो वॉज एनी फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस? इस बार मैंने ये चीज बहुत बार देखी, आईलेट का पेपर काफी इजी आ गया. तो हमारे समय जब आईलेट होता था तो 150 मार्क्स का पेपर होता था विद नो नेगेटिव मार्किंग, एंड देन द कट ऑफ यूज्ड टू बी अराउंड 100-102. इस बार डिस्पाइट नेगेटिव मार्किंग, जो पेपर का कट ऑफ अभी दिख रहा है फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट के बाद की 96-97 पे आईलेट की लिस्ट क्लोज हो जाएगी, तो पेपर बहुत ईजी आ गया. Most of the students were scoring 85-90, जो कि पिछले साल के कट ऑफ जितना था. तो सबको एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था आईलेट का पेपर देने के बाद. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बाकी सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना बंद कर दी थी, तो MHCET हो गया, ब्लैट हो गया, JMI का एंट्रेंस हो गया, उन सब की प्रिपरेशन बंद कर दी थी. तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था 2016 के बाद? वॉज देयर अ फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि अब तो हो गया है? वर देयर एनी अदर एग्जाम्स लाइंड अप, उनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, या बस क्लैटी देना था, उसके अलावा कुछ एग्जाम पे फोकस नहीं था? व्हाट वाज? तो मैंने एलिट और क्लैट दोनों के लिए प्रिपरेशन की थी और दोनों का एग्जाम दिया था. बट थैंक यू, आई मीन दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है. एंड आई थिंक ये दोनों केसेस में होता है. देयर इज अ फॉल्स कॉन्फिडेंस अगर पेपर इजी हो, एंड देयर इज अ फॉल्स अंडर कॉन्फिडेंस अगर पेपर डिफिकल्ट हो. एंड दिस इज अ फॉलेसी, आई मीन आई वुड जस्ट लाइक टू डाइग्रेस एंड क्लियर दिस आउट, कि इंसान बच्चा जब एग्जाम हॉल में बैठा हो एंड इफ ही सीज एन इजी पेपर, उसको लगता है कि नहीं यार अब तो लाइक आई एम गोइंग टू डू वेरी वेल. एंड अगर वो होता है, अगर कठिन पेपर आता है, तो लाइक एवरीवन इज लाइक यार मेरे से तो नहीं हो रहा है. एंड दिस इज ऑल्सो एक्चुअली दिस ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू मॉक्स, कि जब बच्चा मेरे से पूछता है कि इज दिस अ गुड स्कोर, एन एब्सोल्यूट नंबर कैन नॉट से वेदर इट इज अ गुड स्कोर और नॉट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अब आप एक स्टूडेंट हो, और इंडिया में जो भी इंसान वो एग्जाम दे रहा है वो भी एक स्टूडेंट है. अगर वो इजी है तो सबके लिए इजी है,
अगर वो डिफिकल्ट है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर वो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है और अगर मुझे 2 महीने की प्रेपरेशन में ये कर लिया है कि ये मेरे से आसानी से नहीं बन रहा है, तो अनलेस समवन इज अ प्रोडिजी, वो उससे भी इतनी आसानी से नहीं बने। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज समथिंग आई हैड इन माइंड। सो एंड अनदर थिंग वॉज कि लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट नो इन द पेपर विच आई थॉट कि हाँ अगर किसी इंसान ने थोड़ी और प्रिपरेशन की होती, तो फॉर एग्जाम्पल जीके, 1 महीने में आप साल भर का जीके नहीं कर सकते। तो दैट वॉज अनदर थिंग विच आई वॉज देयर इन माई माइंड कि हाँ लाइक वाई एम एबल टू स्कोर वेल, देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल रीच दैट पोटेंशियल। ओके, अच्छा वी विल कम टू द एनालिसिस बिट कि कैसे आपने ये आइडेंटिफाई करा कि पोटेंशियल है, हाउ वाज योर रिजल्ट, सेक्शनल स्कोर्स क्या थे जिसके बेसिस पे हमको ये समझ में आया कि हाँ अगर इतनी प्रेपरेशन में इतना हो सकता है तो देयर इज अ गुड पोटेंशियल एंड ऑब्वियसली योर एनालिसिस वाज गुड व्हिच इज प्रूवन बाय योर रिजल्ट द नेक्स्ट ईयर कि आपने जो एनालिसिस करा था वो सही था। तो द फैक्टर्स यू हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन, आई विल आल्सो रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि उस दिशा में उस तरीके से सोचा जाए तो ड्रॉप का डिसीजन सही होगा। अगर वो चीजें हमको नहीं दिख रही है हमारी जर्नी में तो शायद हमको ड्रॉप को एक रिकंसिडर करना चाहिए एज एन ऑप्शन। बट एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ सजेशंस कम टू स्टूडेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन देयर क्लैट प्रिपरेशन कि क्लैट नहीं हुआ, आईलेट नहीं हुआ, उसके बाद भी बहुत सारी एग्जाम्स होती है which is true, BLET, MSCET, और इसमें भी काफी अच्छे colleges मिलते हैं, all of us know कि these are prestigious colleges that we get into, and I'm sure आपका पास, आपके पास भी उस समय भी वही option रहे होंगे, तो were you also preparing for those exams, या exams की उन समय जानकारी नहीं थी, how was the situation? So, I would have appeared for exams, but मुझे like उस time पे CLAT and ELIT was the norm. उसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको बताया जाता था कि Symbiosis भी available है, MSCET available है, तो वो सारे exams तो मैंने नहीं दिए थे. So मैंने दिया था, but अगले साल जब मैंने drop लिया, then I gave a good number of exams. So in 2016 in your initial year, you just appeared for CLAT and ELIT. You just appeared for CLAT and ELIT. Yes. Okay. And Priyanshu, when was the decision? So I remember 8th of May को CLAT 2016 का exam हुआ, 11th of May को scores आ गए थे सबके, and 12th of May तक लगभग position clear हो गई थी, situation clear हो गई थी कि कौन सा NLU का cut off कितना जाने वाला है ना, और I am sure 13, 14 तक तो हमको समझ में आ गया था where do we actually stay, even if it seems prima facie या good score, जितना भी score आया हो 129 का उसके बाद भी समझ में तो 3 दिन में तो आ गया होगा कि इसमें तो NLU नहीं निकलने वाला। तो when was the decision taken? So तो decision was taken after first list. मेरा ये था कि मैं NLIU, NLU, JAMX, JNLU यहाँ तक I'll stick because I mean I consider you know these colleges are good enough. उसके नीचे अगर मेरा नाम जाता, so मेरे दिमाग में ये था कि ड्रॉप इज अ बेटर ट्रेड ऑफ इन दैट केस। सो डिपेंडिंग ऑन माय परफॉर्मेंस आई वुड रादर लाइक टेक अनदर शॉट एंड ट्राई फॉर द हायर एनएलयू। सो दिस वाज द थिंग। सो जब फर्स्ट लिस्ट में मेरा कहीं पे नाम नहीं आया, एट दैट पॉइंट आई वाज क्लियर कि नहीं अब तो फाइनल लिस्ट में भी ये उतना ऊपर तो नहीं जाने वाला। एट दैट पॉइंट आई वाज क्लियर एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि चलो अच्छा है मेरा नाम नहीं आया। सो And because अगर मेरा कहीं पे नाम नहीं है उसलिए मैंने एक और ड्रॉप दिया, उसके बाद I got a good place, maybe if I had gotten let's say NLIU or GNLU, I would have settled for that. Definitely, definitely. तो वही है ना, वो the classic adage को कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो that is true for you as well in this story perhaps, कि नाम नहीं आया तो it was an opportunity कि हाँ ये चीज़ तो बाद में और अच्छे से होने वाली है, इसलिए शायद नाम नहीं आया। And so I'm sure you decided कि हाँ आप drop लेना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो कई सारे बच्चों को ये suggestion भी मिलता है seniors से, parents से, भाई बहनों से, शर्मा जी से, शर्मा जी के लड़के से, वर्मा जी से, वर्मा जी के लड़के से, कि भैया यार एक काम करो, कॉलेज साथ में ले लो, सिक्योरिटी रहेगी। कुछ नहीं तो PCM लिया है BSc का फॉर्म डाल दो, कॉमर्स लिया है BCom का फॉर्म डाल दो, आर्ट्स लिया है BA की तैयारी कर लो, क्योंकि कुछ नहीं है 3 साल बाद UPSC कर लेना। मतलब कई सारे सजेशन बच्चों को मिलते हैं, तो आई एम श्योर आपको भी मिले होंगे और उस पर भी आपने कंसिडरेशन करा होगा। वी विल टॉक अबाउट दिस इन द स्पेशल क्लास की उन सब चीजों को हमको कैसे करना है। बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू आस्क यू वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप दिस यूट्यूब सेशन एंड गो टू द स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म और अनअकैडमी पे बाकी सारी चीजों में डिटेल में बात करें कि वंस यू हैव डिसाइडेड कि हाँ ड्रॉप लेना है,
when did you start your preparation? What is a good time? मतलब कुछ break लिया, गोवा चले गए, मनाली चले गए, या फिर start कर दी preparation? I think I shifted and joined the coaching 3 days after the result, the first list. And that was, that must have been around 4th of yes, I think it was May end. So May end mein maine coaching join kar li thi. Okay, the first list in 2016 came on 24th of May. So 24th of May. So I think I went to Bhopal around 27th of May. 27th. Okay, मतलब कहीं ना कहीं वो क्योंकि थ्रेशोल्ड पहले से फिक्स था तो डिसीजन तो लिया जा चुका था, बस उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट लिस्ट का इंतजार था. एंड यू डिड नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब यू जस्ट वेंट उसके बाद, बिकॉज़ दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट इज मोर टाइम इज नेवर बैड, सो व्हाई टेक अ वेकेशन, आई मीन जस्ट गो एंड प्रिपेयर. Definitely, definitely. Especially in this crucial year, why take a vacation could be a good adage to live by. Okay, guys. So this was all about Priyanshu Jain's journey, but obviously this was not all about the Priyanshu Jain's journey. हम अब बात करेंगे. We've understood कि क्या-क्या हुआ Priyanshu के साथ. When did he begin preparation? कैसे उसकी preparation में 2016 में अच्छे marks नहीं आए, and he made the decision. अब जो crucial question होता है कि how to make the decision. क्या वो factors थे? कैसे उसने 2016 के पेपर का एनालिसिस करा, कहाँ पे उसको लगा कि हाँ पोटेंशियल है, व्हाट वर दोस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो आपको माइंड में रखने. वी विल टॉक अबाउट दिस राइट आफ्टर दिस यूट्यूब सेशन इन द स्पेशल क्लास एट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. दिस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली फ्री, है ना. आप लोग आ सकते हो सीधे सीधे अन अकेडमी पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ उस स्पेशल क्लास पे क्लिक करना है एंड यू विल डायरेक्टली फाइंड अस. ठीक है, सो मीट यू इन अनदर 2 मिनट्स एट द अन अकेडमी स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर अ फ्री क्लास to understand what goes behind when you are making the decision to drop, and the class title is to drop or not to drop. Thank you, Priyanshu. Thank you so much.